नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ रिया पांडे। रीट 2022 पेपर एक और पेपर दो 23 और 24 जुलाई को 2022 को दो शिफ्ट में परीक्षा आयोजित किया गया था। लेवल एक के शिफ्ट और लेवल दो के लिए एक और शिफ्ट दो आयोजित किया गया था। वहीं आपको बता दें कि प्राइमरी लेवल और अपर लेवल की शिक्षा परीक्षा में एक एक नंबर के 150 सवाल शामिल थे। गलत उत्तरों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था। रीट 2022 की परीक्षा आंसर की आधिकारिक तौर पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। आपको बताते चले कि लेवल एक और लेवल दो के लिए रीट आंसर की डाउनलोड करने का आधिकारिक लिंक जल्द ही शेयर किया जाएगा। सभी उम्मीदवार रीट के लिए दोनों लेवल की आंसर की पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकेंगे। राजस्थान शिक्षा बोर्ड पेपर एक और दो के लिए सेट वार और विषय वार आंसर की जारी करेंगे। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि बैठक में कैबिनेट ने फैसला किया कि राज्य में राजस्थान शिक्षा पात्रता परीक्षा रीट की वैधता अब आजीवन रहेगी। पहले रीट प्रमाण पत्र 7 साल तक के लिए वैध थे, जिसके बाद घटाकर 3 साल कर दिया गया था। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रीट 2022 आंसर की आज यानी मंगलवार 26 जुलाई को 2022 को जारी की जा सकती है। हालांकि इसके लिए अभी कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। राजस्थान बोर्ड द्वारा रीट आंसर की 2022 पीडीएफ जारी किए जाने के बाद इन उत्तरों पर उनसे आपत्तियों मांगी जाएगी। आपत्तियों पर विचार करने के बाद फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा। फाइनल आंसर की के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। आपको ये सभी अपडेट जानने के लिए इंडिया न्यूज राजस्थान को लाइव सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।